नमस्कार भक्तों, आज हम आपको गणेश मंत्र के जरिए आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाने और धन दौलत को अपनी जिंदगी में लाने के एक खास तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं। भक्तों, हिंदू धर्म में गणेश मंत्र को आर्थिक संकटों को दूर करने और धन आकर्षित करने के लिए बेहद शक्तिशाली माना गया है। ये एक प्राचीन मंत्र है जिसे सदियों से धन और सौभाग्य के लिए उपयोग किया जाता रहा है। भक्तों, हम में से कई लोग आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, चाहे वो महीने के अंत तक पैसे का टोटा हो या फिर कर्ज में फंस जाना। ऐसी स्थिति बड़ी परेशान कर देने वाली होती है, जब लगता है खर्चे हर ओर से बढ़ रहे हैं और आमदनी उतनी नहीं हो रही। अगर आप भी इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं, और अच्छी बात यह है कि इसका समाधान भी हमारे पास है, और वो भी एक आसान तरीके से। भक्तों, गणेश मंत्र एक ऐसा साधन है जो न सिर्फ हमारी आर्थिक परेशानियों को कम कर सकता है, बल्कि हमारे जीवन में संपन्नता और समृद्धि का मार्ग भी खोल सकता है। ये मंत्र हमें केवल धन प्राप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि एक सकारात्मक और समृद्ध मानसिकता को विकसित करने में भी मदद करता है। जब आप इस मंत्र का 21 बार जप करते हैं तो आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ते हैं और जीवन में समृद्धि को अपनी ओर आमंत्रित करते हैं। भक्तों, इस मंत्र का जप करते समय यह ध्यान रखें कि इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ 21 बार पूरा करें। यह सिर्फ शब्दों का उच्चारण नहीं है, आप अपनी भावनाओं और विश्वास को इस मंत्र में डाल रहे हैं। विश्वास रखें कि आपके जीवन में धन, दौलत और खुशहाली का प्रवाह शुरू हो सकता है। प्यारे भक्तों, मेरा एक दोस्त था जो बहुत मुश्किल समय से गुजर रहा था। वह कई नौकरियां कर रहा था, फिर भी उसकी आर्थिक स्थिति सुधर नहीं रही थी। एक दिन उसने गणेश मंत्र का जाप करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। कुछ ही हफ्तों में उसे एक नई नौकरी मिली जिसमें उसकी पिछली आय से 3 गुना ज्यादा पैसे मिलने लगे। अब वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र है और सुकून से जी रहा है। भक्तों, यदि आप भी अपने जीवन में यही खुशी चाहते हैं तो इस मंत्र को 21 बार पूरा करें, और अगर आपने अभी तक हाजिरी नहीं लगाई है तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय जय गणपति बप्पा मोरिया लिखकर अपनी हाजिरी लगा लें। तो भक्तों, मंत्र इस प्रकार है। सिद्धि बुद्धि सहित्य सर्व कार्य सदा सदाय ओम गणपते नमः। सिद्धि बुद्धि सहित्य सर्व कार्य सदा सदाय ओम गणपते नमः। सिद्धि बुद्धि सहित्य सर्व कार्य सदा सदाय ओम गणपते नमः। सिद्धि बुद्धि सहित्य सर्व कार्य सदा सदाय ओम गणपते नमः। सिद्धि बुद्धि सहित्य सर्व कार्य सदा सदाय ओम गणपते नमः। सिद्धि बुद्धि सहित्य सर्व कार्य सदा सदाय ओम गणपते नमः। सिद्धि बुद्धि सहित्य सर्व कार्य सदा सदाय ओम गणपते नमः। सिद्धि बुद्धि सहित्य सर्व कार्य सदा सदाय ओम गणपते नमः। सिद्धि बुद्धि सहित्य सर्व कार्य सदा सदाय ओम गणपते नमः। सिद्धि बुद्धि सहित्य सर्व कार्य सदा सदाय ओम गणपते नमः। सिद्धि बुद्धि सहित्य
सर्वकार्य सदा सदाय ओम गण गणपते नमः। सिद्धि बुद्धि साहित्य सर्वकार्य सदा सदाय ओम गण गणपते नमः। सिद्धि बुद्धि साहित्य सर्वकार्य सदा सदाय ओम गण गणपते नमः। सिद्धि बुद्धि साहित्य सर्वकार्य सदा सदाय ओम गण गणपते नमः। सिद्धि बुद्धि साहित्य सर्वकार्य सदा सदाय ओम गण गणपते नमः। सिद्धि बुद्धि साहित्य सर्वकार्य सदा सदाय ओम गण गणपते नमः। सिद्धि बुद्धि साहित्य सर्वकार्य सदा सदाय ओम गण गणपते नमः। सिद्धि बुद्धि साहित्य सर्वकार्य सदा सदाय ओम गण गणपते नमः। सिद्धि बुद्धि साहित्य सर्वकार्य सदा सदाय ओम गण गणपते नमः। सिद्धि बुद्धि साहित्य सर्वकार्य सदा सदाय ओम गण गणपते नमः। सिद्धि बुद्धि साहित्य सर्वकार्य सदा सदाय ओम गण गणपते नमः।